गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने Amazon से कुछ विंटर वियर लिए हैं, लाइक कोट्स हैं, कार्डिगन्स हैं और शॉल है एंड एक टॉप है, या जहाँ तक मुझे जितना ही याद आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको वेराइटी मिल जाएगी। मैंने मेरे लिए भी लिया है, मेरी मम्मा के लिए भी लिया हुआ है, तो आपको वेराइटी ऑफ आइटम्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। सारे ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कर देना एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी और भी हॉल्स देखने हो तो सारे ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक कोट के साथ। यहाँ पे आपको पिक दिख जाएगा जो कि मैंने अमेजोन से लिया है। यह है ट्रेंड इफ का वुमेन्स ब्लैक पॉलिएस्टर 12 मूव्स विंटर ओवर कोट। लेंथ इसकी आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, लाइक मैं अपना ट्राई ऑन भी दिखा दूंगी। मुझे ये नीज से भी नीचे आ रहा है, आप अपनी हाइट के हिसाब से देखोगे उसी हिसाब से आएगा। सो दिस इज हाउ द कोट लुक्स लाइक। मेरे इसमें साइज एस है एंड एकदम परफेक्ट है। थोड़ी सी स्लीव्स मुझे लूज है, बट अगर मैं अंदर लेयरिंग करूंगी तो इसकी स्लीव मुझे परफेक्ट आ जाएंगी। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ, ये बिल्कुल भी वुलन नहीं है, हल्की फुल्की सर्दियों के लिए है। लाइक आप अंदर से अच्छा सा स्वेटर वगैरह पहन लो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप सोचो कि आपको अच्छी खासी सर्दियों में इसको पहन सकते हो, सो इट्स नॉट दैट वन। कैजुअल टाइप होता है ना, फैशन में पहन लिया तो पहन लिया, ये उसी टाइप का कोट है, आप इसको वैसे नहीं पहन सकते हो, अदरवाइज इसका लुक काफी अच्छा है। दूसरा कोट मैं दिखाने जा रही हूँ वो है प्रॉपर वुलन कोट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैं यहाँ पे अमेजोन का भी पिक्चर एड कर दूंगी, ट्राई ऑन आपको दिख ही जाएगा। सो दिस इज हाउ द कोट लुक्स लाइक। आई एम इन द साइज एस एंड इसका ब्रांड है OXO LL OXO, आई डोंट नो आप इसको क्या ही बोलोगे। इनके काफी सारे टॉप्स एंड ड्रेसेस एंड कोट्स देखे हुए हैं मैंने अमेजोन पे। बाकी इसमें आपको दो कलर मिल जाएंगे, मेरे पास जो कलर है वो है ब्लू कलर एंड इसमें आपको एक मरून भी मिल जाएगा। कुछ इसी टाइप का चेक पैटर्न है, काफी अच्छा वूलन मटेरियल है। यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए भी एक बेल्ट मिलता है, आप चाहो तो उसको ओपन कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। ओवरऑल ये मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि वूलन है एंड आप इसको अच्छे से लेयरिंग भी करोगे ना तो भी आपका अच्छा खासा सर्दियों में काम कर जाए। सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस पश्मीना शॉल, आप इसको स्कार्फ बोल सकते हो या फिर रैप बोल सकते हो, आप इसको जिस भी टाइप से लेना चाहो, लाइक अपने ऊपर कैरी करना चाहो इसको इस तरीके से कैरी कर सकते हो। काफी बारीक सी इसमें कढ़ाई की गई है। इसमें जो मेरा साइज मैंने लिया है एम लिया है एंड इसमें छोटा साइज भी मिल जाएगा आपको, इसमें बड़ा साइज मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से साइज चेक कर सकते हो। बाकी इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है एंड प्राइस भी काफी अच्छा ही है एक्चुअली, तो इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। काफी अच्छा सा इसमें काम किया गया है, लाइक एकदम चीप वाला काम नहीं है। मैंने इसको एक व्हाइट टॉप के ऊपर रैप आपको करके दिखाया है, आप इसको सूट के साथ भी एज अ दुपट्टा पेयर अप कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड काफी अच्छे से पैक होके आया था, मैं आपको बता दूं, लाइक आपको अगर इसको आगे भी अच्छे से रखना चाहो तो अच्छी सी पैकिंग में पैक होके आया था, लाइक आप इसमें रख के इसको पैक करके रख सकते हो। ओवरऑल मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी। नेक्स्ट अप आई हैव दिस कार्डिगन, ही मैंने मेरी मम्मा के लिए मंगवाया था, इसका ट्राई ऑन नहीं आएगा, मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, नेवी ब्लू कलर का है एंड यहाँ पे येलो मस्टर्ड येलो कलर के आपको पैटर्न दिख रहा है फ्लास्क का। मैं यहाँ पे भी जो अमेजोन पे था वो पिक दिखा दूंगी, सेम टू सेम वैसा ही है। लाइक इसका जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है, काफी ज्यादा गर्म है, मेरी मम्मा ने इसको वियर करा हुआ है तो उनको काफी ज्यादा पसंद आया। एंड यहाँ पे मस्टर्ड येलो कलर के फ्लावर्स है जो कि नेवी ब्लू कलर के ऊपर एक बहुत अच्छा सा पॉपअप ला रहे हैं, तो इसको पहनने के बाद ही काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे आगे आपको पूरे में यहाँ पे फ्लावर्स दिख जाएंगे एंड यहाँ पे हाथ में आपको स्लीव्स में भी दोनों स्लीव्स में फ्लावर्स दिख जाएंगे। इस ब्रांड के मैंने काफी ज्यादा कार्डिगन्स देखे, सारे ही अच्छे हैं, लाइक वो चटक मटक वाले कार्डिगन्स नहीं है। अगर आप अपनी मम्मा के लिए देख रहे हो या फिर किसी भी बड़े के लिए घर में कार्डिगन्स देख रहे हो, इस ब्रांड के कार्डिगन्स आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छे हैं, प्राइस रेंज का। लास्टली मैंने एक टॉप लिया है, इसका ट्राई ऑन मैं आपको हल्का हल्का ही दिखा सकती हूँ, लाइक एकदम प्रॉपर ट्राई ऑन नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो काफी ज्यादा पतला है। लाइक मैंने इसको पैक कर दिया क्योंकि व्हाइट कलर है, काफी जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैंने इसको तुरंत पैक कर दिया था। थोड़ा सा सी थ्रू है, इसका जो प्राइस है मुझे ये 299 में पड़ा था। मुझे उस टाइम लग रहा था कि एवी पहनने के लिए, कभी कभी पहनने के लिए लगता है वाइट टॉप, तो मैंने ले लिया इसको। इसका कपड़ा बहुत ज्यादा पतला है, अगर आप इसके ऊपर कोट वगैरह पहनते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप इसको एवी पहनना चाहते हो लाइक एज ए टॉप पहनना चाहते हो तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा पतला है। एंड अगर आप कुछ आप इस तरीके के प्रेफर करते हो तो यू कैन गो फॉर इट, मेरे हिसाब से पतला है। बाकी प्राइस रेंज के हिसाब से रफ एंड टफ आपको पहनना हो तो आप इसमें देख सकते हो, एंड इसमें 2-3 कलर्स और थे सो आप चेक कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। मुझे काफी ज्यादा सी थ्रू लगा, मुझे इतना अच्छा इसका मटेरियल नहीं लगा, बट मैंने इसको हॉल में इंक्लूड कर दिया, मैंने कहा बता ही देते हैं, हर किसी का चॉइस अलग अलग है। आई नो काफी छोटा सा हॉल था, बट कोई नहीं, अभी एक दो हॉल्स और आने वाले हैं विंटर वेयर में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।